वेलकम बैक। आपने लिखा है कि बच्चे ने बहुत ज्यादा जोर से आपके अंडकोष पर पैर मार दिया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये सिचुएशन कई तरीके से हो सकती है, अगर आप बच्चे को गोद में लेके खिला रहे हैं, या फिर बेड पर लेटकर आप बच्चे के साथ खुद खेल रहे हैं, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपके अंडकोष पर अगर जोर से लग जाता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस समय आपको प्राइमरी लेवल पर क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप नॉर्मली ज़ीरोडॉल एसपी टैबलेट सुबह शाम 3 दिन तक के लिए ले सकते हैं। इसके साथ दिन में एक बार आपको एसीलॉग भी 3 दिन तक लेनी है। अब उसमें देखना यह है कि 3 दिन में अगर आप कंप्लीटली परफेक्ट हो जाते हैं, आपको कोई दर्द नहीं है, किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ थोड़ा दर्द भी है, स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है, या आपको खिंचाव सा महसूस होता है वहां पर, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको आगे ट्रीटमेंट की अभी जरूरत है। इसको बिल्कुल अनदेखा ना करें, क्योंकि ये अगर आप अनदेखा आगे करेंगे तो उसमें हाइड्रोसील बनने की फिर वहां पर स्थिति बन जाएगी। तो ऐसे में नियरेस्ट या तो यूरोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है, अगर वो वहां अवेलेबल नहीं है तो आप नियरेस्ट सर्जन से भी मिल सकते हैं, जिसको दिखाकर जो भी ट्रीटमेंट वहां पर आपको दिया जाए और जितने दिन का दिया जाए उसको जरूर कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करते और बाद में फिर आगे चल के उनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में ये भी नहीं सोचना है कि अगर दर्द हो गया है और उसमें पेन हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दे, तो इस डर की वजह से ही आप दिखाने नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके की कोई सोच ना रखिएगा। डॉक्टर आपके भले के लिए, आपको जल्दी ठीक करने के लिए ही मेडिकेशन देंगे, जिससे कि आप जल्दी फटाफट ठीक हो जाएं। अगर इसकी स्वेलिंग आगे ज्यादा बढ़ जाएगी और जो टेस्टीज है उसके आसपास पानी भर जाएगा, तो फिर वो टेस्टीज के हेल्थ के लिए सही नहीं होता है, जिसमें कि आपके शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो आगे हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समय रहते जल्दी से जल्दी इसको नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं। और अगर 3 दिन में ही आप परफेक्ट हो जाते हैं, आपका दर्द सब कुछ खत्म हो जाता है, किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट या स्वेलिंग या साइज में कोई बड़ापन आपको वहां पर नहीं नजर आता है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नॉर्मल हैं और परफेक्ट हैं। इसमें हो सकता है आपका ये सवाल भी हो कि क्या हम इसमें कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, तो देखिए इस चक्कर में ना रहिए। अभी आपको इमीडिएट आराम की जरूरत है, और उसके लिए जो मैंने ट्रीटमेंट बताया या फिर जो नियरेस्ट डॉक्टर का मैंने आपको डिटेल दिया, उसके ही संपर्क में आपको रहना है और वहां से ही आपको परफेक्ट टाइम पर अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करना है। और फर्दर कुछ दिनों तक के लिए आपको अपनी केयर भी करनी है, परफेक्ट अंडरगारमेंट का यूज करना है, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है। साथ ही साथ थोड़े दिन तक के लिए हैवी वर्कआउट से थोड़ा सा बचना है। बस इन सब केयर को अगर आप करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और ज्यादा कोई आगे प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी। हाइड्रोसिस से रिलेटेड अगर आपके और दूसरे सवाल हैं, तो मैंने बहुत सारी जानकारी इस पर दे रखी है और वीडियो की लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। और अगर आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ये पेड कॉलिंग ऑप्शन है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।